खाने के लिए बोल रहे थे, पर आंटी को बनाने का शौक है, अंकल को खाने का शौक नहीं है, इसलिए मैं सब आप लोगों को खिलाऊंगी, जल्दी आ जाइए सारे। पता मुझे ऊपर थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आने वाले हो। ये रहा अपना जूस। कभी कभी ना यार इतना बुरा कटता है जैसे अभी कटा है। ये देखो भाई यहाँ पे गाड़ी पलटी पड़ी है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। तो भाई कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे रहना। आज है 8 तारीख और दिन है थर्सडे, ठीक है। पहले हमें जाना था बीर बिलिंग, बट वहाँ का हमने बिल्कुल कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ रेन। यहाँ से पास में ही मनाली है, करीबन 2.5 घंटा ड्राइव करके हम मनाली पहुँच जाएंगे। तो आज मनाली जा रहे हैं और फिर वहाँ से 10 तारीख को चेकआउट मारेंगे, मनाली को एक्सप्लोर करेंगे। मनाली में एक दो जगह है जो हमने नहीं देखी है आज तक, तो उस जगह जाना है। तो भी ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ आपको। ये है वेज सैंडविच एंड ये जूस किस चीज़ का है भाई? फूल है, आपको फूल का जूस है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। इसमें खुशबू तो फूल जैसी आती है, थोड़ी गुलाब से। लीजिए सर। थैंक यू सर। करने के लिए कुछ तो छोड़ दे मेरे पास। हैं? पकड़ने के लिए कुछ तो छोड़ दे, मैं पी नहीं सकता, मैं ब्रेसेस निकाल दूँ। ठीक है यार, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नहा धो के जो है यहाँ से निकलेंगे टाइम से। और यार मैंने आपको जैसे कि बताया था लास्ट एपिसोड में कि हमें सरस्वती लेक जाना था, बट यार टाइम का थोड़ा इशू था, इस वजह से यार जा नहीं पाया। बट उसी जगह मैं 360 व्यू आपको दिखाया तो वीडियो में, वो वीडियो देखना ज़रूर, बताना कैसा लग रहा है सब कुछ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, अब निकलने का टाइम यार अपना हो चुका है और टाइम हो गया है 11:58। तो ठीक है, सब कुछ पैक हो गया है, तो थोड़ी सी आंटी से बात करते हैं कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, ठीक है, क्या इनका रेंट है। हमने तो एक्चुअली ऑनलाइन बुक किया था, तो अगर आप ऑफलाइन भी आते हो तो अच्छा खासा आपको टैरिफ पड़ जाएगा। तो ठीक है, चलो आंटी से बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कैसे हो आंटी? बस बढ़िया बढ़िया, नमस्ते। तो आंटी जी आप ये बताइए, आपके कितने कॉटेज है आपके पास? हमारे पास ये 2 कॉटेज है, एक डुप्लेक्स है, एक सिंगल है। अच्छा, और इनका टैरिफ क्या क्या है? इनका टैरिफ सीजन के अनुसार लगता है। अच्छा, जो हमने ऑनलाइन बुक किया था वैसे वो 5,500 के आसपास था। हमने यार एक दिन अपना एक्स्ट्रा बढ़ाया था। बाकी आंटी यार खाना बहुत अच्छा बनाती है, अगर आप आते हो ना, आपको मतलब पूरे दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वो भी ये नहीं कि आप ऑर्डर करोगे जब ही, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहता है बीच बीच में टेस्ट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। टेस्ट करने से इंसान को पता, हाँ जी, ताकि फिर हम ऑर्डर करें जब ही, तो ऑर्डर करेंगे ना। आंटी का नेचर अंकल जी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी जगह पे इनका कॉटेज है। ये देखो कितनी प्यारी जगह, मतलब टांडी के अंदर अगर आप आते हो तो टांडी से 2 किलोमीटर पहले आपको ये स्टे पड़ता है। तो एक बात बताइए, अगर कोई दिल्ली वगैरह से आ रहा है तो मतलब इजी कैसे आ सकता, बस से अपने व्हीकल से? अपनी गाड़ी से, बस से अगर 2 बंदा आ रहा है या 3 आ रहा है, हाँ जी, तो 4,000 से ऊपर लगता है, इससे अच्छा अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी सही है, 0 से आ सकता है। जी जी जी, हम लोग टैक्सी का भी करवा देते हैं यहाँ घुमाने के लिए, के सब करते हैं। हाँ, जब घूमने गए थे तो टैक्सी आंटी ने करवाई थी, काफी हमें सस्ती करवाई थी। तो आप अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो मतलब आपको सारी चीज में काफी जो आपका खर्चा होने वाला है वो बच सकता है। तो भाई आओ और घूमो इतनी प्यारी जगह पे। तो ठीक है आंटी, थैंक यू। और भाई आंटी का इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखना, फॉलो करना। आप खाने के लिए बोल रहे थे, पर आंटी को बनाने का शौक है, अंकल को खाने का शौक नहीं है, इसलिए मैं सब आप लोगों को खिलाऊंगी, जल्दी आ जाइए सारे। थैंक यू आंटी। हम ना यहाँ से जाने वाले है, तो आशीष जो है हिमाचली कैप पहन के फोटो शूट करवा रहा है सामने। ये सत्य भाई है जो सनराइज फार्म स्टे पे ये भाई काम करता है, काफी मेहनती लड़का है। और ये बोल रहा था कि पहले गेस्ट हम ही हैं जो अपनी बाइक पे आया है, वरना सब गाड़ी में आता है ना। तो कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए? यहाँ हो गया मेरे को 3 महीने। रहने वाले कहाँ के हो आप? यूपी। वो शाहजहानपुर है ना, शाहजहानपुर। तो भाई अभी वैसे पढ़ भी रहा है और अपना काम भी कर रहा है, यहाँ पे आके काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छी जगह रह रहा है, देखो पाइंट्री के बीच में। चलो यार ठीक है, भाई को भी बाय बाय बोलते हैं और जगह को भी बाय बाय बोलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। बाइक वगैरह जो है अपनी रेडी है, बस सामान का ये बांधना है। आशीष भी रेडी कर रहा है अपनी बाइक। तो चलो ठीक है यार, चलते हैं और मनाली की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में मिलता है बाइक पे। तो दोस्तों अभी जीवी में आ गए है और हमें जाना है बिल्कुल सीधा, और जो ये रास्ता देख रहे हो ना आप, ये जाता है उधर जलोरी पास की तरफ, और ये सामने सीधा जो है जाएगा मंडी की तरफ। बेसिकली मंडी नहीं जाना है हमें, पहले ही हमें राइट हो जाना है जहाँ पे डैम है, मैं आपको दिखाऊंगा
एंड अभी बस पेट्रोल डलवाना है, नीचे ही है ये जो यार बंजार है ना, बंजार काफी बड़ा है, मतलब काफी कुछ है, सारी जो जीबी और टांडी से जो लोग आते हैं ना शॉपिंग करने वो यहीं पे आता है बंजार में, बेसिकली मेन हब यही है शॉपिंग का एंड हॉस्पिटल वगैरह, बाकी सब कुछ अवेलेबल है मोस्टली यहाँ पे ना, कपड़े वगैरह खरीदने हैं हो या कुछ भी हो, सब बैंक वगैरह एटीएम वगैरह मोस्टली है सब यहाँ पे, तो जब अगर आप जीबी वगैरह जा रहे हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पेट्रोल भरवाते टैंक जो है आधे से कम है। पीछे से आए हैं और अगर हम सीधे जा रहे हैं तो ये दिल्ली चंडीगढ़ जा रहा है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये रास्ता जा रहा है मनाली की तरफ, तो हमें इस टनल से जाना है, ये टनल जो है हमें सीधा उस तरफ निकाल देगी और इसके राइट साइड से जो रोड जा रही थी वो जाती है तीर्थन वैली की तरफ, ठीक है। ये काफ़ी ठंडी लग रही है अंदर से, ये ना नॉर्मली बनाई हुई है, कोई ज़्यादा मतलब जैसे अटल टनल टाइप बनाया हुआ है या और पीछे हाईवे पर जो टनल से बनाई हुई है उससे काफ़ी अलग है ये, मतलब इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी अलग है। पता मुझे ऊपर थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आने वाले हो, और पेट ना अजीब सा हो रहा है, गर्मी हो रही थी काफ़ी तो जूस पी रहे अभी और इसके बाद निकलते हैं। ये रहा अपना जूस, कहीं छाव है कहीं धूप, सामने धूप दिख रही है आपको, ये देखो आ गई धूप, तो ये देखो यार लेफ्ट में सारा कुल्लू है, काफ़ी बड़ी सिटी है कुल्लू, लोग भाई यहाँ पे भी ऊपर ऊपर तक बसे हुए हैं, रोड होगी ऐसे जाने के लिए। भाई दो रास्ते हैं मनाली, हमें नागर जाना है इसलिए हम लेफ्ट साइड से जाएंगे, अगर ये पतली कोहल जाना है तो भाई साइड से जाना, मनाली इस साइड से भी आता है इस साइड से भी आता है, तो लेकिन हम लेफ्ट साइड से जाएंगे। इस जगह का नाम है राम्स विला, तो अभी ये रोड जो है भाई ख़राब आ चुकी है मनाली जाने वाली, ये दूसरी रोड है हाईवे उस साइड है, ये इसका कोई दूसरा रास्ता है नागर का, इस तरफ से ले जाता है मनाली, मतलब इस तरफ से भी जा ही सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यार वो है दिल्ली वाला मनाली वाला दूसरा जो मतलब चौड़ा रोड है और ये छोटा रोड है, ये नागर की तरफ से जाता है वो दूसरी तरफ से जाता है, बट बेसिकली अगर आपको मनाली जाना है तो वही वाला रूट पकड़ना चाहिए। बाकी देखो यार ऊपर से व्यू कितना प्यारा लग रहा है सामने का, ये देखो हवा चल रही है भाई बहुत तेज और मौसम हो रहा है ख़राब, बारिश आ सकती है इसलिए जल्दी चल लेते हैं यहाँ से। देखो यार यहाँ पे ना छोटे छोटे एप्पल ट्री लगे हुए हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और प्रॉपर्टी है ये, इसके उस साइड जो है ना स्नो पीक दिख रहा है फुल, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है फ्लिस्टन हॉस्टल, अभी देखने गया ऐसे इस ऊपर कोई है क्या, उसके बाद फिर जो है अंदर बैग वगैरह रखते हैं, अंदर से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे तो। बाइक पार्किंग भाई ये है यहाँ की मेन रोड पे ही है, बाइक यहाँ खड़ी होती है और सामने जो है हॉस्टल। तो दोस्तों ये वाली प्रॉपर्टी ना यार काफ़ी दूर है मनाली से, ये है नागर में, नागर से मनाली का जो डिस्टेंस है वो करीबन 30 किलोमीटर है, तो यार हमने ना ये कैंसिल कर दिया, मैंने booking.com से किया था तो 800 रुपये के आसपास इसका चार्ज लगाया, बाकी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बुकिंग करूँगा ना जब दिखाएगा वो उसमें चार्ज जोड़ के जो भी मैं होटल नेक्स्ट टाइम बुक करूँगा। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं, दूसरा मैंने हॉस्टल बुक किया है वो किया है मनाली में, तो वहीं चलते हैं यार क्योंकि ये काफ़ी दूर है और मौसम भी यहाँ पे नॉर्मली है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो चलते हैं फिर। सम टाइम ना यार बहुत ज़्यादा बुरा कटता है सच बताओ तो, जैसे अभी हमारा कटा है ये नागर कहाँ पे है मनाली कहाँ पे है, एक्चुअली मैं माइल्स के चक्कर में पड़ गया और रात लेट नाइट ही बुकिंग करी थी वैसे,
बट चलो कोई नहीं, पता चल गया है। एक्चुअली यार मैंने ना एक गलती कर दी, मैप पे देखा नहीं मैंने, तो मैंने सोचा पास में ही होगा। और नागर मैंने सुना है, ऐसे लगता है कि मनाली के आसपास ही है। तो भाई मनाली 2 किलोमीटर रह गया सामने। भाई मनाली में इतना रश है ना यार, बहुत ज़्यादा, इतना कमर्शलाइज हो गया यार मनाली। मतलब हर साल इतनी यहाँ पे भीड़ हो जाती है, हर साल बहुत ज़्यादा। तो हमको तो जाना है माल रोड होते हुए, तो ये भी वैसे माल रोड पे ही जाता है रास्ता, लेकिन ये आउटर है। आप इधर से ही रोहतांग रोड है सीधा, अगर रोहतांग जाना है आप इधर से भी जा सकते हो, सीधा रोहतांग ही जाते हैं। एक से एक होटल वैसे यहाँ पे खोला हुआ है, ये देखो बस भाई कितनी सेक्सी लग रही है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। ये जो हमने दूसरा हॉस्टल बुक किया है ना, ये रोहतांग रोड पे ही है, ये सीधा जो है अटल टनल और रोहतांग रोड जाता है। ये देखो भाई यहाँ पे गाड़ी पलटी पड़ी है, शायद यहाँ से गिरी होगी। वाह कितना ब्यूटीफुल लगा ये। तो भाई अपना हॉस्टल जो है आज का आ गया है, काफी ऊपर है, ये देखिए आ गया, ये रहा, देखने में तो अच्छा लग रहा है भाई, ये रहा। यहीं पे लगा रही है, बाइक तो हमने लगा दी है। ये हमारा हॉस्टल नहीं है, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था हॉस्टल हमारा वहां पे है, तो उसका रास्ता यहाँ से जा रहा है चढ़ के ऊपर की तरफ, और सामने भी पहाड़ है। इधर से देखो वो आप देख पा रहे होगे जुगनी वाटरफॉल है, ये दिख रहा है ये, इधर देखो भाई फुल बर्फ पड़ी हुई है। तो अभी ना ऊपर हॉस्टल में चलते हैं, और यार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, फिर दोबारा आप देख पा रहे होगे बारिश हो गई है ना। तो चलो ऊपर चलते हैं, बैग वैग अपना उतार के आराम से रूम में फ्रेश वगैरह होके फिर आपसे मिलते हैं। आशीष हाय बोल दो। आशीष की फटी पड़ी है भाई, मेरी भी फटी पड़ी है। ये है हॉस्टल का नाम, पढ़ लो, जिसको आना है आओ। यहाँ से थोड़ा वॉक करके ऊपर जाना होता है, बाकी रास्ता इसका भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। वाह रात को भाई यहाँ पे लाइट वगैरह जलेगी ना तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। हेलो बश 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 शेक हैंड शेक हैंड शेक हैंड, क्या हो गया, चलो आओ। ये देखो भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई फाइनली हॉस्टल के रूम में आ चुके हैं। ये हमारा प्राइवेट रूम, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी सही है। वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ, वॉशरूम भी ठीक है, साफ है, गीजर वगैरह लगा हुआ है, इधर मिरर है, और ये सामने भी मिरर है। बाकी इसके अंदर बालकनी भी है, बालकनी में आपको दिखा देता हूँ। ये है बालकनी, ये देखो ये एप्पल ट्री है सब। बाकी यार बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नाइस। तो यार हालत तो काफ़ी ख़राब हो रही है अपनी, क्योंकि हेलमेट लगा के रखना पड़ता है ना, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यार आज तो मुझे लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे, टाइम हो गया 5:34, ये देखो ठीक है। और सामने मुझे तो बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, अभी देखेंगे बारिश आ रही है, अभी तो ड्रोन वगैरह उड़ाने की कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। और वो जो है रिवर जो पीछे से आ रहा है, सोलांग वैली भी इस साइड ही है आगे जाके काफ़ी, बट यहाँ से सब पास है। अच्छा ये मेन पहाड़ है वो जिससे दूर से ही पता चल जाता है मनाली में बर्फ़ पड़ी हुई है ना, ये हमेशा मेन रोड से भी आपको विजिबल होता है। तो ये है, और सामने भाई उधर जुगनी वाटरफॉल है। तो कल का तो भी प्लान सीसू वाटरफॉल जाने का ही है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, और हो सकता है तो शायद जुगनी फॉल भी जाए, तो जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी ठीक है। तो भी फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद फिर चिल मारते हैं आराम से, मिलते हैं बाद में।
अभी फ्रेश हो चुके हैं एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है सामने का व्यू देख के। अभी यार ऑर्डर किया है हमने मैगी एंड कॉफ़ी और चाय, आपको दिखाता हूँ। तो यार ये है अपनी मैगी एंड टी कॉफ़ी, ठीक है। तो अभी इसको खाते पीते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर इवनिंग में चलते हैं ओल्ड मनाली, ठीक है। तो बने रहना ब्लॉग में भाई। भाई टाइम हो गया है 8:56 यार। अभी हमारे दिमाग में ना, मतलब मैं इतनी देर से ना लैपटॉप में लगा पड़ा था अपना डाटा वगैरह के लिए, और पता नहीं क्या हुआ यार मेरा इंस्टा 360 ना चल नहीं रहा है, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी सी हो रही है। ऊपर से आप इस बार ना भाई केबल वगैरह सब भूल गए, तो कभी मैं इसके अडेप्टर में लगा देता हूँ। देखो क्या जुगाड़ कर रखा है, अपनी एंड्रॉयड की केबल ना इसके अडेप्टर में लगा देता हूँ। तो फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा, अब थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हुआ है। अब 9 दिमाग में आइडिया है चल भाई ओल्ड मनाली चलना था, तो अब तैयार वैयार होके भाई ओल्ड मनाली जा रहे हो। और कुछ एक्चुअली यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, तो यार हमें ना बॉडी वार्मर लाना है, तो अभी दिमाग में आया तो भाई इसलिए माल रोड अब जा रहे हैं जल्दी भाग के। बाइक अपनी नीचे खड़ी है, बाइक से जाएगी 2-2.5 किलोमीटर दूरी है यहाँ से हमारा जो ये हॉस्टल है इससे। तो ठीक है चलते हैं माल रोड का, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं जाके। हाँ जी भैया, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओए भाई मेरी वो कर तो ले ले ले। ये भाई जब मैं इसको बोलता हूँ ना भाई मेरी वीडियो ले ले, पता नहीं मेरी तरफ आग काटता है। लाले पूरा लाले भाई, मैं रिवर्स कैसे चलूंगा? अरे वहां खड़ा हो जाना कोने पे। हमारा ना जो लास्ट इशू था उसका भी कुछ इस टाइप का ही एनवायरनमेंट था, घूमने के लिए जाना होता था तो नीचे जाना होता था, और यहाँ पे भी हम नीचे ही जा रहे हैं। मजा तो आ रहा है भाई इस रोड पे, लेकिन सुनसान रास्ता है। अगर आप अकेले तो मत ही जाना भाई, अकेले तो डर लगता है थोड़ा बहुत। बाकी आशीष पीछे बैठा है, अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो इसको उतार के भाग जाऊंगा फिर मैं, है ना भाई? हाँ जरूर। और सामने ना जो रोहतांग वाला रोड है भाई, इतना गंदा ट्रैफिक हो रहा है उस पर। अभी देखा था सारे रोहतांग वाले बंदे है ना जो मनाली में, मनाली इस टाइम पूरा फुल पैक है, फुल भीड़ है। यार एक आधी टी शर्ट देख लेते हैं, कुछ लेना है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ले लेता हूँ अगर मिलता है तो। चलते हैं दुकान पे, ले चले। मैंने ना अपने लिए एक ऊपर का एक टी शर्ट टाइप खरीदी है एंड नीचे एक लोअर, लेकिन वो कल बना के देंगे मुझे, तो अब कल ही आऊँगा। इस टाइप का है थोड़ा, इस टाइप के जो होते हैं ना इस टाइप का लिया है, ये वाला, इस ये वाला ही लिया है, तो ये वाला बनवाया है मैंने अलग से। तो बस अभी चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यार, 10:00, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, वरना फिर सीधा रूम पे चलते हैं। आ जाओ भाई। ये है ओल्ड मनाली में शॉप, ये वाली मैंने इससे लिया है, ठीक ठाक दे रहा है। बाकी पजामा भाई 500 का दे रहा है, लेकिन बना के देगा मुझे कल। इनके कपड़े जो होते हैं ना, इनके जो कपड़े होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं कि ये बना देते हैं। चलो फिर घूमते हैं हम थोड़ा बहुत। चलो यार घूम लिए फिर लिए, अपने हॉस्टल पे आ गए, अब डिनर वगैरह करते हैं। 10:10। देखो आशीष तेरे से बढ़िया लग रहा है मुझे, है भाई हीरो। हीलो 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 बाइट नहीं कर सकता ये तो बच्चा है, देख कितना आराम ले रहा है। तो गाइस ओल्ड मनाली से आने के बाद यार हम नीचे ना कॉमन रूम में बैठ गए थे हॉस्टल के, और यार काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। अभी आए हैं और टाइम हो गया देखो 12:30, तो भी मूवी देख रहे थे हम यहाँ पे। काफ़ी अच्छा इन्होंने थिएटर टाइप कॉमन रूम में प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, तो आपको वीडियो में दिखेगा भी। कल का जो अपना सीन है सिसु जाने का है, सिसु वाटरफॉल। तो ठीक है अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।
सकते हैं और दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में सीसू वाटरफॉल, और जहाँ भी हम जाएंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ठीक है यार, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।